अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद फरामोश और आप देख रहे हैं रीफ डिजिटल। आज मैं जिस शख्सियत की बात करने लगा हूं उसके कुछ हवाले देता हूं। ये रंगीनी है ये नौबहार, अल्लाह अल्लाह, वो मुझसे हुए हम कलाम, अल्लाह अल्लाह, टोट बटोट ए पुत्र हट्टां ते नहीं विकदे, करनैल नहीं जरनैल नहीं, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू। नाज़रीन, आपके सामने एक वाज़े शबी बन गई होगी। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की। आज उनका 124वां यौमे पैदाइश है। इस हवाले से मैंने चाहा कि कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँ। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम अदब में बड़ा नाम थे। वो उस्ताद भी थे, नक्काद भी थे, शायर भी थे और नगमा निगार भी, और उनकी बहुत सी जहतें थीं और वो अल्लामा इकबाल शनास भी थे। इकबाल शनासी में तो उनका एक बड़ा नाम। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम 4 अगस्त 1899 को पैदा हुए, यहीं लाहौर में। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर ही से फारसी में एमए किया, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने लगे। गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने उर्दू और फारसी में दोनों शोबों में वो एज ए सदर काम किया। फारसी में, पंजाबी में और उर्दू में वो एक सा लिखते थे और तीनों ही जुबानों में उनको अबूर था। उन्होंने उर्दू में लिखा तो कमाल लिखा, पंजाबी में लिखा तो कमाल लिखा, फारसी में भी उनका कलाम जो है वो बहुत आला है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी ऐसी नज़में तख्लीक की कि बच्चे सुनते थे तो सर धुनते। टोट बटोट, ये भी उन्होंने एक अपने दोस्त के बेटे को देखकर एक किरदार तख्लीक किया और फिर क्या शानदार उस पे नज़में लिखी। एक था लड़का टोट बटोट, बाप था उसका मीर सलोट, पीता था वो सोडा वाटर, खाता था बादाम अखरोट। इसी तरह उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी नज़्म तख्लीक की, बेटी सुरैया के लिए। सुरैया की गुड़िया नहाने लगी, नहाने लगी डूब जाने लगी, बड़ी मुश्किलों से बचाया इसे, किनारे पे मैं खींच लाया इसे। ये उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी तो वो ये बहुत पसंद की गई। हुआ यूं के बच्चों को अमूमन दादियां नानियां कहानियां सुनाती थी। एक दिन उनकी वालदा ने कहा कि बच्चों को तुम कहानी सुनाओ, तो इन्होंने 2-4 दिन बच्चों को कहानी सुनाई। बच्चे रोज आ जाते थे तो इन्होंने एक दिन कहा कि नहीं, मैं आपको ना नज्म सुनाया करूंगा। तो फिर इन्होंने ये पहला तजर्बा किया था कि अपनी बेटी सुरैया के लिए सुरैया की गुड़िया लिखी, जो बहुत पसंद की गई। फिर इन्होंने बच्चों के लिए तबाजमाई की तो बहुत सी ऐसी शानदार नज़में तख्लीक हुई कि वो बच्चों में भी मकबूल हुए। उन्होंने 50 साल अदब की खिदमत की। 50 सालों में उन्होंने 31 किताबें जो हैं वो अदब की झोली में डाली। उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखा और रेडियो के लिए भी लिखा। खासकर 1965 की जंग में उनका एक बड़ा रोल है। 1965 की जंग में उन्होंने जोशीले तराने लिखे और वो रेडियो पाकिस्तान चले जाते थे और मैडम नूरजहां वहां चली जाती थी और वहीं पे वो लिखते थे और मैडम नूरजहां को देते थे और वहीं पे तर्ज बनती थी, वहीं पे लाइव गाना गाया जाता था। जो महाजों पर फौजी लड़ रहे होते थे वो सुनते थे तो उनमें मजीद जोश पैदा होता था और इस हवाले से उनका 65 की जंग में बड़ा रोल माना जाता है। ए पुत्र हट्टाते नहीं विकते, ये जो उन्होंने गाना लिखा तो मैडम नूरजहां ने वहां पे ही रिहर्सल की और तैयारी करके वो गाना लाइव गाया। ए पुत्र हटांते नहीं विकदे, की लबनिये विच बाजार कुड़े, देन मेरे दाता दी ना एवें टकरा मार कुड़े। पुत्र हटांते नहीं विकदे, ये इतना दर्दनाक और पुरसोज गीत था कि लोग जब सुनते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो ये क्रेडिट भी सूफी तबस्सुम को ही जाता है कि उन्होंने इसे इतना दर्दनाक और पुरसोज बनाया। करनैल नी जरनैल नी, वो भी इन्हीं का ही जंगी तराना था। 1976 में इन्हें अल्लामा इकबाल अकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया क्योंकि इनकी अल्लामा इकबाल के लिए बालियात में बहुत सी खिदमात थी। 1976 में सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को अल्लामा इकबाल अकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। वो उनकी सबका खिदमात के सिलसिले में था क्योंकि उन्होंने सारी उम्र अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत कुछ तख्लीक किया। 1934 में उन्होंने अल्लामा इकबाल पर एक मकाला लिखा था जो उन्होंने जब अल्लामा इकबाल साहब को दिखाया तो उन्होंने भी बेहद सराहा था। उसके बाद से उन्होंने जब अल्लामा इकबाल रहलत फरमा गए तो इन्होंने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया और उन पर कई किताबें इन्होंने लिखी। फिर ये जिंदगी के आखिरी दिनों तक अल्लामा इकबाल के हवाले से लिखते रहे, बल्कि आखिरी दिनों में भी ऐसा हुआ
हुआ कि जब ये इस्लामाबाद इकबाल मेमोरियल फंड इकट्ठा करने के लिए गए थे, वापसी पर जब लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरे तो अपने शागिर्द के हाथों में ही इन्होंने जान आफरीन के सुपुर्द की। सूफी साहब चूंकि फारसी के उस्ताद भी थे तो ये फारसी को इन्होंने पंजाबी में और उर्दू में कन्वर्ट किया। सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम ने गालिब का फारसी कलाम पंजाबी और उर्दू में ढाला। उन्होंने उनके जब फारसी कलाम को पंजाबी पैरहन दिया तो वो एक ऐसी तखलीक हो गई जो अमर हो गई। इसमें उन्होंने फारसी कलाम ही से पंजाबी में जो मंजूम तर्जमा किया, एक शानदार गीत सामने आया जो गुलाम अली ने गाया था। वो था, मेरे शौक द नहीं बार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा ही में लड़न बहाने लबनाए की सोच नए सितम जार आजा मेरे शौक द नहीं बार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार ये इन्होंने लिखा। तो दानिशवरों ने कहा कि सूफी साहब पंजाबी में ये कलाम लिखने से गालिब से भी बढ़ गए हैं। बहरहाल ये तो दानिशवरों की राय है। सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम ने शेक्सपियर के ड्रामे मिड समर नाइट ड्रीम का उर्दू तर्जमा सावन रैन का सपना के नाम से किया जो बहुत मकबूल हुआ। उन्होंने दो फिल्मों के लिए भी गीत लिखे जो बहुत मकबूल हुए। एक था सौ बार चमन महका सौ बार बहार आई, दूसरा गीत था आ गई शाम ढलते ही। उनका तखल्लुस तबस्सुम था और लकब सूफी। वो दरवेश मनुष्य जरूर थे। वो मियानी साहब कब्रिस्तान में असूदा खाक हैं। वो अपने तराजम अपनी तखलीकात अपनी शायरी की वजह से जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। शहजाद फरामोश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।